पंजाब में 13-0 का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी महज 3 सीटों पर सिमट कर रहेगी और जिसके कारण मुख्य तौर पर एंटी इनकमेंसी, वादे ज्यादा और डिलीवरी कम, 2 साल की कार्यशैली और कैंडिडेट जो चूज किए गए उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ये वोट नजर आए हैं। पंजाब में कांग्रेस को 7 सीट, इंडिपेंडेंट 2 सीट्स, अकाली दल को 1 सीट और 3 सीट आम आदमी पार्टी को मिली है। आम आदमी के राजकुमार चब्बेवाल होशियारपुर से जीते जो कांग्रेस से आए थे, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, पंजाब सरकार के मंत्री गुरमीत सिंह मीतिया जो संगरूर से जीते, और श्री आनंदपुर साहिब से मालविंदर कंग जो पिछले समय में भाजपा से आए थे। 3 ही सीटें आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत सकी है और 10 सीटों पर हार हुई है, जिसमें से 4 मंत्री भी सरकार के जो चुनाव लड़ रहे थे वो भी हारे हैं। सरकार की कानून व्यवस्था पर नियंत्रण जो पिछले 2 सालों में रहा है, लोगों से किए हुए वादे, किसानों के प्रति जो रवैया सरकार का था, शंभू बॉर्डर पर जो आंदोलन हुआ उसमें जिस तरीके का सरकार ने एक्शन दिखाया, किसानों की तमाम मांगे थी, 2 साल की कार्यशैली जिसमें कानून व्यवस्था, सिद्धू मूसेवाला की हत्या, जिस तरीके का एक्शन अमृतपाल और खासकर सिख कम्युनिटी से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार का रिएक्शन था उसके प्रति, और साथ ही 1000 रुपया महिलाओं को और 2 साल की एंटी इनकमेंसी में जो बड़े ऐलान थे। अगर बात करें नौकरियों की तो सरकार ने 43,000 नौकरियों का वादा किया, लेकिन अब भी अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं सरकार की और अपेक्षा नौजवानों को है कि कब वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी। तो ऐसे तमाम मुद्दे थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हार पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की 10 सीटों पर हुई, और वहीं जो अलायंस कहीं ना कहीं हुआ है तो उसका भी एक परसेप्शन बना। भाजपा, कांग्रेस और जो बाकी पार्टियां मैदान में थी, चुनाव वोट परसेंटेज भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ग्राफ पहले के मुकाबले कम आया है। अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ से आज तक।